367वीं मंजिल से गिरते हुए जब मैंने अपने होशो हवास संभाले तो मैंने देखा मैं नीचे गिरती ही जा रही हूँ। नहीं, कूदने का इरादा मेरा मन चाहा था, पर अपने अपने शरीर को एक भारी पत्थर जैसा नीचे गिरते हुए देख मेरे मन में सिर्फ एक ही बात बार बार गूंज रही थी, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तभी मैंने 305 की टेरेस पे एक खूबसूरत सी औरत को देखा। मैंने उनके सामने अपने हाथ आगे बढ़ाए, मैंने उनसे कहा, देखिए आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? मैं नीचे गिरती ही जा रही हूँ, बताइए कर सकती हैं क्या? और इस बात पर उनने कहा, चिल्लाओ मत। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से कूदी हो? क्यों कूदी हो? चिल्लाओ मत, मैं जानती हूँ तुम गिर रही हो, चिल्लाओ मत। अच्छा, तो ये नया तरीका निकाला है भीख मांगने के लिए, नहीं तुम लोगों ने? हाँ, चिल्लाओ मत, मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। और तुम मन किया रुक कर इस औरत की खबर लूं, पर ध्यान आया कि मेरी हालत क्या हो रही है। मैं अपने दिमाग पर जोर लगा रही थी कि मैं क्या करूं क्या करूं, जिससे कि मैं, और तभी मैंने देखा 200वीं मंजिल पे एक खिड़की। उस खिड़की के बाहर एक आदमी टकटकी लगाए आसमान को देख रहा है। उसने पहले तो मुझे बड़े हैरत से देखा और फिर उसके बाद हंसने लगा। भाई साहब सुनिए, जरा सुनिए, आप कहाँ कहाँ जॉब करते थे? नहीं, टेम्पररी थे या परमानेंट? मुझे बता तो दीजिए, जगह बता दीजिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ऐसे कौन हंसता है? और ये साहब की मुझे एक भी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं कुछ सोच रही थी। हाँ, मैं सोच रही थी कि योगा का ऐसा कौन सा आसन करूं जिससे कि मेरा शरीर फूल जैसा हल्का हो जाए और आराम से जमीन पर पड़ जाए। पर नहीं, फूल जैसा हल्का हो जाएगा तो इमारत के किसी भी कोने से टकरा सकता है और हाथ पैर टूट सकते हैं। और आप ही बताइए क्या बेहतर होगा, जान चली जाए या टूटे हाथ पैरों के साथ ताउम्र गुजारी जाए? मंजिल 182। कुछ बच्चे बचपन और जवानी की सरहद पर खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा आवाज भर कर चिल्लाया, सुपरमैन की लाल चड्डी होती है। अरे नहीं यार, सुपरमैन है यार। नहीं यार, सुपरमैन नहीं, यूएफओ है, यूएफओ। चले काम करते हैं, शर्त लगाते हैं लाइट की। अगर हुआ सुपरमैन तो लाइट तेरी, अगर हुआ यूएफओ तो लाइट मेरी, ठीक है? सुपरमैन यूएफओ
सुपरमैन यूएफओ, सुपरमैन यूएफओ, सुपरमैन यूएफओ, सुपरमैन यूएफओ, सुपरमैन, 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 सुपरमैन। मैं अभी भी हवा में हूँ, बेचैन हूँ और अजीब से ख्याल आ रहे हैं। अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरा शरीर कैसे होगा कि जब वो जमीन पर पड़ा होगा, मेरा कौन सा हाथ आसमान की तरफ और कौन सा जमीन की तरफ होगा, मेरी जान आग से निकलेगी या मुंह से। क्या मैं उस छिपकली की तरह दिखूंगी जो दीवार पर चिपकी रहती है? तभी मुझे 175 पे एक औरत दिखी जो काम में मसरूफ थी। देखा तुमने उसको? अरे जो अभी ऊपर से नीचे गिरा है, सही है ना? नहीं, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है ऊपर से नीचे गिर जाए। नहीं, मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। सारा काम अकेली मैं करती रहती हूं दिन भर हमेशा। वो आदमी ये बातें चुपचाप सुनता रहा, चुपचाप खड़ा हो गया। उसने अपनी चप्पल उनके अंदर पैर डाले और आदतन घर से बाहर निकल गया। वो नीचे उतरता गया और नीचे उतरते उतरते उसे वैसा ही महसूस हुआ जैसा कि अभी मुझे हो रहा है। उसने जेब में हाथ डाला और अपनी बीड़ी ढूंढी। कमबख्त वो आखिरी बीड़ी भी वहां पर नहीं थी। एक 169 मंजिल का तो नजारा ही कुछ और था, ज्यादा कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था। अजीब सी परछाइयां हो रही थी। छोड़, मैंने कहा ना छोड़, मैं बोल रही हूँ ना, छोड़ मुझको, बहुत मारो, छोड़, छोड़, ये छोड़, छोड़, देख, देख उसने हमको देख लिया होगा, वो नीचे ही गिरते जा रहा है, देख। मैंने कितनी दफे कहा है कि खिड़की दरवाजे बंद कर आया करो, वो नीचे ही गिरते जा रहा है, अब उसने हमें देख लिया होगा। उस औरत के साथ जो आदमी था उसने अंगड़ाई भरकर उससे कहा, अरे कौन गिर गया, किसकी बात कर रही हो, ऐसे तो हजारों गिरते ही रहते हैं। आप तो हमें ये बताइए कि हम आपके लिए कितना नीचे गिरे, बताइए बताइए बताइए। यार छोड़, छोड़, छोड़। मैंने आपसे कहा था ना कुछ साफ साफ नहीं दिखाई देगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। फ्लैट नंबर 90 के बूढ़े ने तो मुझे बहुत पहले देख लिया था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो मुझे चिड़िया समझकर खुश हो रहे थे। उन्होंने रात की चिड़िया जब देख ली थी, फिर उन्हें लगा कि इतनी बड़ी तो चिड़िया नहीं होती। वो साफ देखने के लिए अपनी ऐनक ढूंढने में लग गए।
ये तो कम वक्त आदमी है, नीचे को भागता ही जा रहा है। जवानी की मौज, जमीन आसमान एक हो जाते हैं, फिर कहीं भी चले जाओ, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अपना उम्र रही ना वो जोश, देखने से भी डर लगता है। अब जमीन से दूरी काफी कम थी। इस बूढ़े की चिड़िया अब 50वीं मंजिल पर फड़फड़ा रही थी, जिसके हॉल के अंदर पहले से कुछ आदमी जोरदार बहस कर रहे थे। हॉल से लगी बालकनी के बाहर एक पान खाते हुए आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे गिरते हुए देख लिया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो उन्हीं कसी हुई आंखों के साथ हॉल की तरफ मुड़ा। दादा आइडियो सुनो, हमारा आइडिया का नाम आसमान से गिरा छापर पार्क है। तो अमर बीमा कंपनी का महिमा, अमर बीमा कंपनी का महिमा कि जार लाइफ बीमा कराया, वो आदमी 300वीं मंजिल से नीचे को कूदा और 200वीं मंजिल पर पहुंचा और उसके हाथ में कंपनी का क्लेम चेक। वी आर फास्ट, वी आर फास्टर देन टाइम शाला। कमना तो दारुण ना, ऐसा ऐड का आइडिया देखो चो सुनो चो। शायद ये दुनिया का उसूल है कि जो नीचे गिरते जाता है वो नीचे ही गिरते जाता है। कुदरत भी इसके आड़े नहीं आती, उल्टा अपनी पूरी ताकत लगा देती है उसे नीचे खींचने में। मैं फ्लैट नंबर 28 पर रुकना चाहती थी क्योंकि उसकी तीसरी खिड़की से एक कोमल कमजोर हाथ बाहर निकला था मुझे बचाने के लिए, पर अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद मैं रुक नहीं पाई। इससे आज वो कहनात भी गलत साबित हो गई कि प्यार में ना बड़ी ताकत होती है। ताकत रोकने की तो नहीं होती, अलबत्ता कारण जरूर बन सकता है। इसीलिए दुनिया की कोई भी ताकत एक नीचे गिरते हुए इंसान को नहीं रोक सकती। केवल लिखने वाला एक कमाल दिखा सकता है, नहीं? हां, केवल वो ये कर सकता है। 367, मैं 367वीं मंजिल से जमीन पर एक पके आम की तरह टपकी। धमकी आवाज हुई, धम। हाँ, नीचे गिरने पर थोड़ी धूल वूल लग गई, पर सीधी खड़ी हुई, अपने कपड़े छटकाए और बिना किसी को बताए चलती बनी। नहीं, अब क्यों, कैसे, ऐसा कैसे कि रट क्यों लगा के रखी आप लोगों ने? हाँ, जब मैं कुछ मंजिल ऊपर से नीचे गिर रही थी तब भी कहीं ना कहीं दिल में आप यही चाह रहे थे ना?
यही चाह रहे थे ना? फिर